सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जायंट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए और पाइए लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स सबसे पहले। जब किसी भी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो ज्यादातर लड़कियां उस भार को सहन नहीं कर पाती। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती है या फिर सुसाइड कर लेती हैं। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज यहाँ हम उन बहादुर अभिनेत्रियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं समझी। वे बहादुरी से दुनिया के साथ लड़े और अपने करियर में टॉप पर चले गए। कंगना रनौत, बरखा दत्त की किताब यह अनक्विटलैंड के लॉन्चिंग फंक्शन में कंगना ने इसके बारे में बात की थी। उसने कहा कि बॉलीवुड में से ही किसी ने उसका जातीय शोषण किया था और मारपीट भी की थी, पर उसने नाम नहीं दिया। कल्की कोएचलिन, कल्की जब केवल 9 वर्ष की थी तब उस पर बलात्कार किया गया था। उन्होंने अभिनेता राहुल बोस की गोद द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया। यह गो बाल दुर्व्यवहार को रोकने का काम करता है। सोफिया हयात, इस अभिनेत्री ने खुद बताया कि वह बलात्कार का शिकार बनी जब वह मात्र 10 साल की थी। वह 2011 में फिल्म डायरी ऑफ बटरफ्लाई में दिखाई दी थी। शीला रे 70s की एक प्रसिद्ध मॉडल है। वह बॉलीवुड में एक प्रभावयुक्त व्यक्ति थी। वह प्रसिद्ध अभिनेता सुधीर की पत्नी है। सुधीर ने सट्टे पे सट्टा और बादशाह जैसी फिल्मों में काम किया है। 4 लोगों द्वारा उसके साथ पूरी रात सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसे हवा में फेंका गया था। पद्म लक्ष्मी, इस अभिनेत्री ने बताया कि उसके सौतेले पिता के रिश्तेदार ने उसके साथ बलात्कार किया था। उस समय वह केवल 7 साल की थी। यह उसने अपनी किताब लव लॉस एंड हुविया में बताया है।